जय हिंद एवरीवन माय नेम इज मुक्तक सिंह राठौर एंड आई वेलकम यू टू शक्ति 2.0 इन द लेक्चर नंबर सिक्स ऑफ हिस्ट्री एंड टुडेस टॉपिक इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स एंड चार्टर एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स सो लेट्स बिगिन सो व्हाट टॉपिक्स वी वुड बी कवरिंग इन दिस लेक्चर कौन-कौन से टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे सबसे पहले हम कवर करेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ऑफ द ब्रिटिश दैट इज लैंड Revenue systems followed by the charter acts, and we will also be covering in this chapter the tribal and peasant movements. So, there will be three topics which we would be कवरिंग इन दिस चैप्टर सो लेट्स बिगिन क्विकली फटाफट शुरू करते हैं और सबसे पहले ब्रिटिश लेजिसलेशन की बात करते हैं जब ब्रिटिशर्स लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इतने बड़े इलाके पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कॉन्क्वेस्ट कर ली थी और अब उस कॉन्कर किए हुए इलाके को किस तरह से वो गवर्न करने वाले थे उसको लेकर ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रेगुलेशंस पास किए थे और वो रेगुलेशंस क्या थे एक एक करके उन सारे रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे सबसे पहला रेगुलेशन हमारे सामने है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अभी जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है ये काफी कुछ अपने नाम से ही पता चल जाता है यानी कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है दरअसल बात ऐसी हुई थी कि कंपनी जीत गई थी बंगाल के अंदर और कंपनी ने बंगाल के अंदर जीतने के बाद में लैंड रेवेन्यू के राइट सारे ले लिए थे जैसा कि हमने इलाहाबाद की ट्रीटी में देखा था लेकिन उसके बाद कंपनी को फायदे में आना चाहिए था लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी नुकसान में आने लग गई और ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी के ऑफिशियल्स करप्ट हो गए थे कंपनी को मिले हुए प्रिविलेजेस का वो इंडिविजुअली फायदा उठाने लग गए थे और इसीलिए उन सारे व्यापारियों की एक्टिव उन सारे कंपनी के ऑफिशियल्स की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट पास किया गया था जिसको नाम मिला था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कुछ और भी चीजें हुई थी जैसे दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर जनरल विथ विद काउंसलर इन द प्रेसिडेंसी ऑफ पोर्ट विलियम कलकत्ता जॉइंटली कॉल्ड एज द गवर्नर जनरल इन काउंसिल सबसे पहली चीज यहाँ पे ये हुई थी कि जो बंगाल का गवर्नर था अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएगा यानी कि मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर से उसकी पोजीशन ऊंची हो गई थी वो गवर्नर नहीं रहा था मैड्रास और बॉम्बे के गवर्नर गवर्नर्स कहलाते थे लेकिन ये कैलकटा में फोर्ट विलियम्स में बैठने वाला गवर्नर गवर्नर जनरल कहलाता था तो इसकी पोजीशन ऊंची हो गई थी इसकी अथॉरिटी बढ़ गई थी और साथ ही साथ इसका एक काउंसिलर अपॉइंट हो गया था और ये काउंसिल जो इसका था ये काउंसिल मिलकर गवर्नर जनरल के साथ में अब पॉलिसी मेकिंग करने वाला था साथ ही साथ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एक सुप्रीम कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट का रास्ता भी खोल देता है पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्टैब्लिश होता है और इसके पहले चीफ जस्टिस होते हैं सर एलिजा एमपी। और फिर उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट के नाम पर यह एक्ट आया था इसीलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट सेवनटीन के नाम से भी जाना जाता है और ये रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर की कमियों को इंप्रूव करने के लिए या रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर की कमियों को कॉम्पनसेट करने के लिए बनाया गया एक्ट था दरअसल रेगुलेटिंग एक्ट के पास होने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स की जो करप्शन की एक्टिविटीज थी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही थी और यही वजह है कि और ज्यादा जरूरत थी उनमें नकेल कसने की और इसी का एक रिजल्ट था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 इसमें हुआ क्या था दिस एक्ट रिजल्टेड इन ड्यूएल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पोजिशन इन इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि जो ड्यूएल कंट्रोल था ये यह कंट्रोल कंट्रोलिश हुआ था अब इस ड्यूएल कंट्रोल में हुआ क्या था क्योंकि पिछली बार ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट करो लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं सुधरी उसके ऑफिशियल्स नहीं सुधरे इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया ये एक्ट पास किया कि अब से इंडिया के अंदर जितने भी पोजिशन हैं ब्रिटिशर्स के वो ड्यूअल कंट्रोल से गवर्न होंगे यानी कि अब बनेगा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट का यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का और एक रहेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम रहेगा सारे पॉलिटिकल और मिलिट्री मैटर्स को ध्यान देना ये सारे पॉलिटिकल और मिलिट्री मैटर्स को अंडरटेक करना लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या रहेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड तक लिमिटेड रहेगा यानी कि ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर और हाँ। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे कि ये एक्ट ये कहता है कि सारे सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स जब भी भारत में पोस्टिंग लेंगे तो भारत में पोस्टिंग लेने के लगभग दो महीने के अंदर अंदर उनको अपनी सारी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि ये पता चल सके कि जब वो आए थे तब उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है जब वो जा रहे हैं तो उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है कहीं इस बीच उन्होंने करप्शन करके बेहिसाब संपत्ति तो नहीं बना ली तो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश किया गया जो ब्रिटिश सरकार की नुमाइंदगी करेगा और सारे पॉलिटिकल और मिलिट्री मैटर्स को होल्ड करेगा डिसीजन मेकिंग करेगा पॉलिसी मेकिंग करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल क्या रह गया कि वो ट्रेड करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे और कोई भी मिलिट्री ऑफिसर या सिविल ऑफिसर अपॉइंट होता है भारत में तो उसको दो महीने के अंदर अंदर अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा और साथ ही साथ मेड्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी अब पूरी तरह से कैलकटा के अंडर में आ चुकी थी यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर्स और ज्यादा यहां पे बढ़ गई थी इतना ही नहीं दिस एक्ट्रेक्ट एस्टैब्लिश द ब्रिटिश क्राउन अथॉरिटी इन सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी ऑफ कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ व्यापार करेगी लेकिन जो सिविल और मिलिट्री मैटर्स है वह पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटिश पार्लियामेंट के पॉलिसी मेकिंग के अधीन आ गए थे और इसीलिए फोर का पिट्स इंडिया एक्ट नकैल कसरा था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर और फिर उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ कंपनीज़ रूल ओवर ब्रिटिश टेरिटोरी कंपनी जितने भी इलाकों पे एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बन के वो चलाती रहेगी अपने ट्रेड करती रहेगी इट कंटिन्यूड कंपनीज ट्रेड मोनोपोल इन इंडिया फॉर नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर अगले बीस साल तक भारत में व्यापार करने की मोनोपोली भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही होगी द गवर्नर जनरल वाज गिवन मोर पावर यहाँ पे इस एक्ट में गवर्नर जनरल के पास में और ज्यादा पावर आती है इतनी पावर आती है कि अगर गवर्नर जनरल के काउंसिल के दूसरे मेंबर्स वोट नहीं कर रहे हैं किसी पॉइंट के फेवर में किसी एक्शन के फेवर में और अगर गवर्नर जनरल को लगता है कि एक्शन होना चाहिए तो वो ओवरराइड कर सकता था अपने काउंसिल के दूसरे मेंबर्स के वोट्स को यानी कि मान लीजिए कि चार काउंसिल मेंबर्स हैं तीन ने वोट किया कि वॉर नहीं होना चाहिए बट गवर्नर जनरल को लगता है कि होना चाहिए वॉर तो वो तीन वोट्स को भी ओवर कर सकता था खास के अंदर, तो इतने राइट्स इनको मिल गए थे और ये 1793 के एक्ट से पॉसिबल हुआ था सैलरीज ऑफ स्टाफ एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वेयर ऑल्सो नाउ

द कंपनी हैड टू पे ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइव लाख रुपीज फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू कंपनी चाहे प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए सारे खर्चे निकालने के बाद में कंपनी को पांच लाख रुपए देने होंगे कम से कम सालाना ब्रिटिश सरकार को सीनियर कंपनी ऑफिशियल्स जो होंगे वो बिना परमिशन के भारत को छोड़कर नहीं जा सकते अगर ऐसा वो करते हैं तो इसी के साथ उनको निकाल दिया जाएगा नौकरी से उनका रेजिग्नेशन ये मान लिया जाएगा एंड कंपनी को एक और अथॉरिटी यहां पे मिली कि अगर कोई इंडिविजुअल ट्रेडर ट्रेड करना चाहता है कंपनी का ऑफिशियल हो या ना हो लेकिन वो इंडिविजुअली अगर ट्रेड करना चाहता है तो कंपनी उसको लाइसेंस दे सकती थी इस लाइसेंस के बदले कंपनी को पैसा मिलता था लाइसेंस को बाद में रिन्यू कराने के लिए और पैसा दिया जाता था तो इंडिविजुअल ट्रेड की जो चलन बढ़ा था जैसे ही भारत में अंग्रेजों का व्यापार हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो करती ही थी व्यापार लेकिन इंडिविजुअल ट्रेड भी बहुत होने लग गया था तो उन्होंने बोला जब रोक ही नहीं पा रहे इंडिविजुअल ट्रेड को तो क्यों ना उसको लीगलाइज कर दिया जाए उसको रेगुलेट कर दिया जाए लाइसेंस बांट दिए जाए उससे हमको कुछ अच्छी कमाई तो हो जाएगी तो इस तरह से इन्होंने इंडिविजुअल ट्रेडर्स के लिए एक रास्ता खोल दिया था यूरोपियन ब्रिटिश इंडिविजुअल ट्रेडर्स के लिए कि अब वो भी भारत भारत में व्यापार कर सकते थे और फिर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है 1813 का चार्टर एक्ट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 थर्टीन पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट रिन्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर फॉर अनादर ट्वेंटी ईयर अगले बीस साल तक जो कंपनी के प्रिविलेजेस थे वो बने रहेंगे द एक्ट असर्टेड क्राउन सोवरिंटी ओवर ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया जितने भी ब्रिटिश पोजेशन है भारत में चाहे कंपनी के पास हो या किसी के पास भी हो उस सब पे अल्टीमेट अथॉरिटी ब्रिटिश क्राउन की यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की होगी ट्रेड एंडेड अब कंपनी जो ट्रेड करती थी इसको ट्रेड के सारे राइट मिले हुए थे वो ट्रेड एंडेड एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी ओपीएम एंड चाइना यानी कि चाइना के साथ में चाय और अफीम का जो व्यापार होता था भारत से अफीम ले जाके चीन के किसानों को दी जाती थी उसके बदले में उनसे चाय ली जाती थी और दुनिया भर में बेचकर प्रॉफिट कमाया जाता था सिर्फ इतना ही अधिकार रह गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके अलावा जो भी उनके ट्रेड प्रिविलेजेस थे मोनोपोली थी वो सब खत्म कर दी गई थी अनादर इंपोर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट वॉज टू ग्रांट परमिशन टू द मिशनरीज टू कम टू इंडिया एंड एंगेज इन रिलीजियस प्रोपोगेशन यानी कि इस एक्ट ने यह भी कहा था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वो भारत में आके अब क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं और उनको ब्रिटिश सरकार का प्रोटेक्शन भी हासिल होगा तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था और साथ ही साथ इंडियन लिटरेचर के रिवाइवल को लेकर भी यहां पे फाइनेंशियल ग्रांट्स दिए गए थे एंशियट इंडियन लिटरेचर जो कई ब्रिटिशर्स समझते थे कि इट इज फुल ऑफ नॉलेज एंड दे शुड बी ट्रांसलेटेड चार्टर एक्ट ऑफ 1833 बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट विच द ईस्ट इंडिया चार्टर फॉर अनादर इयर्स अगले 20 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर और उसकी गतिविधियां भारत में कंटिन्यू रहेगी कंपनीज ट्रेड विथ चाइना वॉज ऑल्सो ब्रॉड टू एंड जो पिछले एक्ट में हमने देखा था कि चाइना के साथ ट्रेड बाकी था बाकी ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई थी लेकिन यहाँ पे चाइना के साथ में भी जो ट्रेड था वो भी खत्म कर दिया गया मतलब कि कंपनी की ट्रेड मोनोपोली कंप्लीटली खत्म हो गई थी बाय द एक्ट 1833 दिस एक्ट अलाउड ब्रिटिशर्स टू सेटल फ्रीली इन इंडिया इसी एक्ट के साथ में ब्रिटिशर्स को इस बात की भी छूट हो गई थी कि भारत में फ्रीली सेटल हो सकते थे और कभी भी आके भारत में बस सकते थे जो सर्विस कर रहे थे वो भी बस सकते थे बाहर से आकर कोई बसना चाहे भारत में तो वो भी बस सकता था और इस एक्ट के थ्रू बंगाल का गवर्नर जनरल जो ऑलरेडी काफी अथॉरिटी हासिल कर चुका था पिछले एक्ट्स में ही अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अब 1833 थर्टी तक आते आते ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ा इलाका जीत लिया था भारत का और इसीलिए वो बंगाल तक लिमिटेड नहीं रह गए थे इसीलिए अब उनका गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था वॉज वेस्टेड विथ ऑल द पावर ऑफ सिविल एंड मिलिट्री द पावर ऑफ गवर्नर ऑफ मैड्रास एंड बॉम्बे वेर डिप्राइड अब मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो सिर्फ एक राज्य के गवर्नर जैसे रह गए थे उनका अब कोई वैसी, आ, कोई प्रिविलेज नहीं रहा था अब वो पूरी तरह से गवर्नर जनरल के अंडर में आ गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी देन बिकम्स प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रोल रह गया था ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करेगी यानी कि जो भी ऑर्डर उसको गवर्नर जनरल से हासिल होंगे वही ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी अब करेगी दिस लॉ प्रोवाइडेड कंपनी इन इंडिया टू द ब्रिटिश क्राउन एंड इट्स हेयर सक्सेसर्स द एक्ट प्रोवाइडेड द मिटिगेशन ऑफ स्लेवरी एग्जिस्टिंग इन इंडिया दैट टाइम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्लेवरी जो इंसान दास प्रथा चली आती थी गुलाम जो बेचे खरीदे जाते थे ये सिस्टम पूरी तरह से बंद कर दिया ब्रिटिशर्स ने और ब्रिटिशर्स ने स्लेवरी को इन्यूमन मानते हुए इसी चार्टर एक्ट के तहत भारत में स्लेवरी को खत्म करने के काम शुरू कर दिए हालांकि प्रॉपरली स्लेवरी एक्ट भारत में 1843 के अंदर लागू हुआ था The British Parliament abolished slavery in Britain and all its possession in 1833. ये डिक्लेरेशन हो गया था और फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853 फिफ्टी थ्री एमपावर्ड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू रिटेन द टेरिटरीज एंड द रेवेन्यूज इन इंडिया ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन एंड नॉट इट्स टाइम इस बार इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो चार्टर आगे बढ़ाया था उसको इनडेफिनेट टाइम के लिए आगे बढ़ाया था यह तय नहीं था कि कितने समय तक यह करेंगे तो यहां पे ट्वेंटी इयर्स के लिए आगे नहीं बढ़ाया उन्होंने क्योंकि वैसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली काफी कुछ खत्म हो गई थी वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई थी तो पता नहीं अंग्रेज हुकूमत आगे इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में चलाना चाहती थी या नहीं चाहती थी बहरहाल ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई भी प्रिविलेज कब तक रहेंगे ये कुछ भी इसमें मेंशन नहीं किया गया था ये वो एक्ट है जिससे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हुई थी और भारत में वो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो पहली बार आया था और उसकी प्रेरणा अंग्रेजों ने अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम से ली थी सिविल सर्विसेज में इंडियंस को कॉम्पीट करने का मौका भी पहली बार इसी एक्ट से हासिल हुआ था और रिकमेंडेशन के थ्रू जो नौकरियां लगती थी वो खत्म हो गई अब चाहे अंग्रेज हो या इंडियंस उन्हें अगर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करना होगा और उसमें सक्सेसफुल होने के बाद वो किसी पोस्ट को ज्वाइन कर सकते थे जैसे भी उनके नंबर स्कोर होते थे लेकिन साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स भी लागू किए थे भारत के ऊपर क्योंकि ब्रिटिशर्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भारत में रूल करना नहीं था ब्रिटिशर्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भारत के अंदर वेल्थ अर्न करना था जितनी ज्यादा हो सके जो जो तीन तरह के इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स भारत के अलग अलग हिस्सों में लागू किए थे उनमें सबसे पहला सिस्टम था जिसे कहा जाता था पर्मानेंट सेटलमेंट जिसको हाई बंदोबस्त भी कहा जाता था क्या क्या बातें हमको इसके लिए याद रखनी है पहला पॉइंट इट वॉज इम्पोज इन इन बेंगाल तो जो बेंगाल प्रोविंस था वो बहुत बड़ा था उसमें आज का बांग्लादेश बेंगाल उड़ीसा बिहार झारखंड आसाम के कुछ इलाके तक आते थे तो बेंगाल वॉज ए लार्ज प्रोविंस वहां पे इसको इंपोज किया गया था दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये था कि लैंडलॉर्ड्स Were considered as owners of the lands वैसे तो लैंड अपनी लैंड के ओनर होंगे ही लेकिन दरअसल इस एक्ट को जो कि कब लागू हुआ था 1793 में लागू हुआ था इस एक्ट के अंदर इससे पहले 1793 से पहले यानी कि 1773 से लेकर 1793 के बीच में ब्रिटिशर्स ने किसी भी लैंड को उनकी लैंड का अल्टीमेट ओनर मानने से इनकार कर दिया था और हर साल उनकी लैंड का ऑक्शन किया करते थे जो जमींदार सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने का वादा करता था उसे ही जमीन का मालिक माना जाता था तो जमींदारी परमानेंट नहीं रही थी ब्रिटिशर्स के आने के बाद लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस बात को महसूस किया कि जमींदारों को नाराज करना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो लीडरशिप क्लास होती है लीडर क्लास होती है सोसाइटी की और इसीलिए उन्होंने लैंड के राइट्स को इंश्योर कर दिया उनकी जमीनों पे एंड दे वेर कंसिडर्ड एज द ओनर्स ऑफ देयर लैंड्स उसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दे वेर फ्री टू डिसाइड द टैक्स रेट्स वो जितना मर्जी चाहे उतना टैक्स ले सकते थे लेकिन इसमें क्या चाहिए था कि हैड टू गिव दे हैड टू गिव नाइंटी परसेंट ऑफ कलेक्टेड टैक्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जमींदारों को इस बात की तो छूट थी कि वो चाहे जितना टैक्स ले अपने किसानों से लेकिन कम भी ले सकते थे ज्यादा भी ले सकते थे लेकिन ये शर्त थी कि 90 परसेंट टैक्स वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे अब इससे क्या होता है इससे ये होता है कि किसान पिस जाता है क्योंकि तो जमींदार को भी पैसा चाहिए तो जमींदार खूब सारा टैक्स लेगा किसान से वो खूब सारा टैक्स लेगा और उसके नाइन्टी तो ब्रिटिशर्स को दे देगा तो ब्रिटिशर्स तो बहुत फायदे में रहे और उसके पास टेन परसेंट बचेगा जिससे कि वो अपना गुजारा करेगा तो जमींदार भी कोई बहुत फायदे में नहीं है यहां पे किसान तो बुरी तरह पे सी गए हैं लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैक्सिमम रेवेन्यू यहां से निकाल लिया इसके बाद में एक और तरह का सिस्टम इन्होंने लागू किया जिसको कहते थे वो लोग रैयतवाड़ी सिस्टम इंग्लिश में रेयतवाड़ी भी कहा जाता है 1822 में इसको लागू किया गया था और 1822 में लागू किए गए इस सिस्टम को लागू करने वाले थे थॉमस मुनरो जो कि मद्रास के गवर्नर थे उसी तरह से अगर इस सिस्टम की हम बात करें तो इसको लागू करने वाले थे लॉर्ड कॉर्न वॉलेस और इसको थॉमस मुन्ो ने लागू किया था ये सिस्टम क्या था यहां पे जमींदारों को हटा दिया गया था यहां पे जमींदारों की जमींदारी को माना नहीं गया था यहां पे क्या हुआ था सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट द टैक्स वाज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द रत रियॉट्स जैसे कि अंग्रेज बोलते थे लेकिन एक्चुअली वर्ड इसका रैयत तो डायरेक्टली रैयत मतलब होता है यहां पे मैं लिख देता हूं स्मॉल छोटे किसान जो होते थे उन्हें रैयत कहा जाता था तो छोटे किसानों से डायरेक्टली कौन टैक्स कलेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट कर रही है पिछले सिस्टम में क्या हो रहा था जमींदार उनसे टैक्स कलेक्ट कर रहा था अपनी मर्जी से जितना भी चाहे और जमीदार से अंग्रेज टैक्स कलेक्ट करते थे यहां पे क्या हो रहा है डायरेक्ट डायरेक्टली रैयत से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है दूसरा पॉइंट रेट ऑफ टैक्स वॉज फिक्स रेट ऑफ टैक्स जो था वो फिक्स हो चुका था कितना फोर्टी परसेंट टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द प्रोड्यूस जितना भी किसान ने प्रोड्यूस किया है उसका 40 से लेके सिक्सटी परसेंट तक टैक्स लिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन जमीन कैसी इरिगेटेड है या अनिगेटेड है अन है तो 40 परसेंट तक लिया जाएगा इरिगेटेड है ठीक ठाक अच्छी जमीन है तो फिफ्टी परसेंट तक लिया जाएगा कितना हाई रेट है ये टैक्स का और भी इससे बुरी बात ये थी कि टैक्स वॉज फिक्सड फॉर थोर्टी ईयर्स हमने मुगल पीरियड में देखा था कि 10 साल के लिए टैक्स फिक्स किया गया था दहशाला बंदोबस्त की हमने बात करी थी यहाँ तो हद ही हो गई 10 नहीं 20 नहीं 30 सालों के लिए टैक्स फिक्स कर दिया वो भी इतना ज़्यादा और इसीलिए ये सिस्टम भी जो था कोई बहुत अप्रीशियबल सिस्टम नहीं था किसानों की हालत बहुत खराब हो जाती थी इस तरह के सिस्टम में अगर हम बात करें कि ये सिस्टम कहाँ कहाँ तक लागू किया गया था तो ये मेनली मैड्रास प्रोविंस एंड बॉम्बे प्रोविंस में लागू किया गया था मैड्रास प्रोविंस भी बड़ा था आज के लगभग पूरा साउथ इंडिया का एक बहुत मेजर पोर्शन मैड्रास प्रोविंस कहा जाता था और आज के महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा इलाका बॉम्बे प्रोविंस के नाम से जाना जाता था इस तरह से दो इलाकों में ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को इम्पोज किया गया तीस सालों के लिए फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट के टैक्स रेट के थ्रू और साथ ही साथ ये टैक्स डायरेक्टली रैयत से कलेक्ट किया जाता था इसमें जमींदारों को इन्वॉल्व भी नहीं किया जाता था और तीसरा सिस्टम आता है एक ऐसा ही सिस्टम जिसको कहते हैं महलवाड़ी महलवाड़ी सिस्टम महलवाड़ी सिस्टम लगभग 1822 में लागू हुआ था इसको लागू करने वाले थे हॉल्ट मैकेजी हॉल्ट मैकेजी ने इसको लागू किया था 1822 में यह लागू हुआ था इसमें टैक्स वॉज इंपोज्ड ओवर अलेज एक पूरे गांव के ऊपर कंबाइंडली टैक्स इंपोज किया जाता था इंडिविजुअल किसान के ऊपर टैक्स नहीं इंपोज किया जाता था टैक्स पूरे गांव से इकट्ठा कलेक्ट किया जाता था दूसरा पॉइंट यहां पर था टैक्स वॉज कलेक्टेड बाय विलेज हेड Man. जो विलेज का हेडमैन होता था उससे ये टैक्स कलेक्ट किया जाता था मतलब उससे नहीं कलेक्ट किया जाता था विलेज हेडमैन गांव से टैक्स कलेक्ट करता था और उस विलेज हेडमैन से ब्रिटिशर्स आके ये टैक्स कलेक्ट करते थे तो ये इनडायरेक्टली कलेक्ट करते थे यहाँ पे और यहां पे इंडिविजुअल किसान से टैक्स नहीं लिया जा रहा है न विलेज हेडमैन को राइट है कि वो इंडिविजुअल किसान से कितना टैक्स लेगा और ना ही ब्रिटिशर्स को ये राइट था कि वो इंडिविजुअल किसान से कितना टैक्स लेंगे यहां ऊपर तय कर दिया जाता था गांव के लोग मिलकर अपने अपना शेयर देकर उस टैक्स को पूरा कर देते दे थे और फिर विलेज हेडमैन उनसे वो शेयर लेके ब्रिटिशर्स को दे दिया करता था इस तरह का सिस्टम जो बाकी दो सिस्टम्स के मुकाबले ज्यादा रैशनल था ये सिस्टम पंजाब अवध और सेंट्रल प्रोविंस में लागू किया गया था सेंट्रल प्रोविंस यानी कि आज के नागपुर से लेकर जबलपुर तक के इलाके अवध यानी कि आज के गंगा जमुना के मैदानी इलाके और पंजाब यानी कि नॉर्थ वेस्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मैदानी इलाके इन तीन इलाकों में प्राइमरीली ये महलवाड़ी सिस्टम लागू किया गया था अब अभी महलवाड़ी सिस्टम लागू किया जा रहा है कहीं रैयत वाड़ी सिस्टम है कहीं परमानेंट सेटलमेंट है इनमें से कोई भी परफेक्ट सिस्टम नहीं है ऊपर से कई तरह के ब्रिटिश लेजिस्लेश भी आ गए तो क्या इंडियंस ने इनको रेडिली एक्सेप्ट कर लिया या इनको अपोज किया तो आगे हम देखते हैं कि एक्सेप्ट नहीं किया रेडिली और इनफैक्ट कई रेबेलियंस हुए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और वो रेबेलियंस क्यों हुए क्या उनके मेजर कारण थे और मेजर कारण इन्हीं ब्रिटिश लेजिसलेशन के अंदर और इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के अंदर छुपे हुए कलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम हैवी बर्डन ऑफ न्यू टैक्सेस इविक्शन ऑफ पीस एंड फ्रॉम देयर लैंड एंड एनक्रोचमेंट ऑफ द ट्राइबल लैंड किसानों की तो क्या दुर्दशा हुई वो हमने परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर देख लिया लेकिन साथ ही साथ ब्रिटिशर्स इंडिया की जो नेचुरल रिसोर्सेज थी उसको लेकर भी काफी ऑप्शिस्ट थे और इस प्रोसेस में वो जंगल डिस्ट्रॉय कर रहे थे और इसी प्रोसेस में जो ट्राइब्स रहती थी जंगलों में उनका हजारों साल से चला आ रहा वे ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो गया था चाहे किसान हो चाहे ट्राइब्स हो वो सभी लोग इसका दोषी ब्रिटिशर्स को मानते थे एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ट्राइबल लैंड लीडिंग टू देयर लॉस ऑफ होल्ड ओवर एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट लैंड ये ट्राइब्स शिफ्ट कल्टिवेशन करती थी और शिफ्ट कल्टिवेशन के थ्रू ये अपनी लाइवलीहुड अर्न करती थी जंगल के एक हिस्से को में खेती करते थे फिर फसल निकाल के उस हिस्से को जला देते थे फिर किसी दूसरे हिस्से में खेती करते थे तब तक पहला हिस्सा रीग्रो हो चुका होता था वहां पे री सेकेंडरी फॉरेस्ट डेवलप हो चुके होते थे लेकिन ब्रिटिशर्स ने पूरे के पूरे लंबे इलाकों तक जंगलों को साफ करके शिफ्ट कल्टीवेशन की स्कोप को काफी कुछ खत्म कर दिया इसलिए ट्राइब्स बड़ी पर, परेशान थी साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने जो इंडियन कॉमोडिटीज थी गुड्स थी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी हैंडलूम इंडस्ट्रीज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपना कंपनी और फैक्ट्री मैन्युफैक्चर गुड्स बहुत प्रमोट किया भारत में साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया से एक्सपोर्ट्स जाते थे उनके ऊपर हैवी ड्यूटीज लगानी शुरू कर दी जिससे कि भारत के अंदर व्यापारी एक्सपोर्ट करने से भी कतराने लग गए और इंडियन ट्रेडर्स को किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिल रहा था इंटरनेशनल मार्केट का और ना ही अब डोमेस्टिक मार्केट का उनको फायदा ब्रिटिश लेने दे रहे थे इसकी वजह से व्यापारी वर्ग कारीगर वर्ग भी अंग्रेजों से बड़ा ही परेशान था कि करें तो क्या करें इनका क्योंकि ये तो किसी तरह से पैसा कमाने ही नहीं दे रहे सिर्फ इतना ही नहीं और भी वजह थी जैसे नए कोर्ट और लीगल सिस्टम्स जो आए थे वो गरीब इंसानों के लिए एक तो फेवरेबल नहीं थे दूसरा कंफर्टेबल नहीं थे इजी नहीं थे और ये फेवर करते थे सिस्टम्स जो होते थे ऐसे बनाए गए थे कि ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था कि जो एलिट क्लासेस है उन एलीट क्लासेस को अपीज किया जाए और जो लोअर क्लासेस है लोअर मिडिल क्लासेस है उनको एक्सप्लॉयट किया जाए वो कुछ नहीं कर पाएंगे अगर एलीट क्लास हमारे साथ है क्योंकि एलिट क्लास लीडरशिप प्रोवाइड करती थी पुलिस का भी बड़ा सप्रेशन था लोगों के ऊपर साथ ही साथ आर्टिशंस जो कारीगर थे जिनको पहले राजा और नवाब शेल्टर दिया करते थे सैलरीज दिया करते थे रॉयल्टीज दिया करते थे अंग्रेज़ों से कई लड़ाइयों में हारने के बाद और सब्सिडियरी अलाइंसिस को साइन करने के बाद इन राजा नवाबों के पास में भी इतनी वेल्थ नहीं रह गई थी कि बड़े पैमाने पर अपने राज्यों में लोगों को रोज़गार दे सकें इन सारी चीज़ों के चलते इंडिया की अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी शुरू हो गई थी और इसी गरीबी की वजह से बहुत सारे रेबेलियन हुए थे एक और वजह इंपॉर्टेंट ये है इस तरह के रेबेलियस के होने की क्योंकि ब्रिटिशर्स के भारत के अंदर एक्सपेंशन को बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस लोग एक फॉरेनर्स की तरह फॉरेन रूल की तरह देखते थे और उनसे हेट करते थे और इसीलिए भी कई ऐसे थियोलॉजिस्ट थे जो अपने लोगों को थियोलॉजिस्ट मतलब धर्म गुरु जो अपने लोगों को भड़काते रहते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और ब्रिटिशर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया की नेचुरल रिसोर्सेस को भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे थे इन सारे कारणों के कंबाइंड इफेक्ट से भारत के लोग ब्रिटिशर्स से बड़े नाराज होते हैं और बहुत पहले से ही जैसे ही ब्रिटिशर्स भारत में ऑक्यूपेशन शुरू करते हैं उनके अगेंस्ट रेबेलियंस भी शुरू हो जाते हैं इन रेबेलियंस को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं रिलीजियस पॉलिटिकल और ट्राइबल रिलीजियस मूवमेंट में हम फ़कीर सन्यासी पागलपंथी वहाबी फराइजी कूका और मोपला रेबेलियंस के बारे में बात करेंगे पॉलिटिकल मूवमेंट में हम वेलू थम्पी पोलीगढ़ रेबेलियन रामोसी गडकरी और सावंतवाड़ी रेबेलियन के बारे में और ट्राइबल मूवमेंट में संथाल खोंड मुंड खासी गारो सिंगफोस अपराइजिंग्स की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं रिलीजियस मूवमेंट्स की रिलीजियस मूवमेंट में सबसे पहले शुरुआती दौर में जो एक मूवमेंट होता है जिसको फकीर अपराइजिंग कहा जाता है फकीर जो फाके काटता है जो भूखा रहता है जो सन्यासी की तरह रहता है जो भिक्षा मांगता है ये मुस्लिम रिलीजियस मैंडिकेन्ट्स हुआ करते थे जो घुमंतु हुआ करते थे जिन्हें एसेटिक्स भी कहा जाता है जब बंगाल का एनेक्सेशन हुआ सिक्सटी सेवनटीन में जो वॉरन हेस्टिंग्स ने बंगाल के नवाबी ख़त्म करी और कंप्लीट ब्रिटिश डोमिनेंस सेटअप किया बंगाल के अंदर तभी से बंगाल की नवाबों के द्वारा मिलने वाले प्रोटेक्शन और डोनेशंस इस तरह के फकीरों को मिलने बंद हो गए और जब फकीरों ने इसके तह तक गए पता किया कि क्यों नहीं मिल रहे हैं तो फकीरों को ये बात समझ में आई कि दरअसल ब्रिटिशर्स ने हमारे नवाबों को ही ख़त्म कर दिया बेचारों को तो वो हमको कहाँ से डोनेशन देंगे कहाँ से हमको सपोर्ट करेंगे शेल्टर देंगे और इसीलिए इन फकीरों के लीडर ने अंग्रेजों के खिलाफ एक रेबेलियन कर दिया और उसी रेबेलियन को फ़कीर रेबेलियन या फ़कीर अपराइजिंग कहा जाता है मजनूम शाह इसके शुरुआती लीडर थे लेकिन उनकी डेथ के बाद चिराग अली शाह इस रेबेलियन को आगे बढ़ाते हैं कुछ लोकल जमींदार जिनमें से कुछ पठान थे कुछ राजपूत थे वो भी इस रेबेलियन को सपोर्ट करते क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो भी ब्रिटिशर से परेशान होंगे बंगाल के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स तक ये रेबेलियन लिमिटेड रहा लेकिन ये रेबेलियन कोई ख़ास असर नहीं ला पाया क्योंकि इसमें वैसे तो रेबेलियन हुआ काफ़ी लोग आए भी इसमें भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे लीडर्स का भी इसमें शामिल होना हुआ जिससे ये फ़कीर रेबेलियन या फ़कीर अपराइजिंग थी इसको थोड़ा डाइवर्सिटी मिली सिर्फ मुस्लिम मैंडिकेट्स का रेबेलियन नहीं रह गया लेकिन फिर भी ये रेबेलियन कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं पकड़ पाया आ, शुरुआत में ये फकीर ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री पे धावा बोलते लूट पाट करते छोटे मोटे उनके इलाकों में जाके उनको नुकसान पहुंचा देते उनके स्टेशंस को सरकारी ऑफिस को लेकिन उसके बाद कंपनी के जब ट्रेंड आर्मीज मॉडर्न वेपन के साथ में पहुंचती इन फकीरों से लड़ने के लिए तो ज्यादातर ये फकीर बैटल लूज कर जाते हैं और ये फकीर अपराइजिंग भी इसी के साथ में क्रश हो जा क्रश हो जाती है और इसी के साथ में शुरू होती है सन्यासी मूवमेंट इनफैक्ट सन्यासी मूवमेंट और फ़कीर अपराइजिंग ऐसे दो मूवमेंट्स थे जो लगभग पैरेलली चले थे सन्यासी अपराइजिंग लगभग देखिए आप उस साल वही है उसका सेवनटीन हंड्रेड सेवेंटीज के डिकेट से लेके आगे एट्टीन हंड्रेड ट्वेंटीज के डिकेट तक ये एट्टीन हंड्रेड टेन के डिकेट के एंड तक ये चला था सन्यासी और फ़कीरों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था जो मुस्लिम्स में फ़कीर कहलाते थे वैसे ही हिंदुओं में सन्यासी होते थे ये सन्यासियों की परंपरा भारत में बहुत पुरानी थी ये सन्यासी अखाड़े में रहते थे होते तो ये सन्यासी थे लेकिन ये सन्यासी कुछ इस तरह से होते थे कि धर्म की रक्षा के लिए ये लड़ना भी जानते थे ये वेपन्स भी उठा के रखते थे और लड़ाई के लिए भी तैयार होते थे इसी जमाने में नवाबों और मराठों राजपूतों की फौज का भी ये सन्यासी हिस्सा हुआ करते थे रेगुलरली नहीं लेकिन जब भी कोई युद्ध होता था तो इन सन्यासियों को बुलाया जाता था युद्ध करने के लिए इस रेबेलियन का इमीडिएट कॉज ये था कि सन्यासियों को उनकी पिलग्रमेज की होली प्लेसेस पर विजिट करने से ब्रिटिशर्स ने पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी थी और इसीलिए इन सन्यासियों ने भी फकीर अपराइजिंग के दौरान ही ब्रिटिश फैक्ट्रीज़ को रेड करना और उनको लूटापाटी करना जैसे एक्शन शुरू कर दिए थे लंबे समय तक यह सन्यासी रेबेलियन चला लगभग 50 साल तक सन्यासी अलग अलग फेज में उठकर रेबेलियन करते रहे लेकिन फिर फाइनली इस रेबेलियन को क्रश कर दिया गया लेकिन तभी एक और रिलीजियस रेबेलियन होता है उस रिलीजियस रेबेलियन को पागल पंथी रेबेलियन के नाम से भी जाना जाता है 1825 से लेकर के बीच में ये पागल पंथी रेवेलियन होता है करम शाह वोज द फाउंडर ऑफ पागल पंथ पागल पंथ क्या था पागल पंथ वॉज नॉट मैडनेस पागल पंथ वॉज अ सेक्ट जैसे कि लिखा है इसमें सेमी रिलीजियस सेक्ट हैविंग इन्फ्लुएंस इन नॉर्थ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल तो ये भी इस्लाम से इंस्पायर्ड एक सेमी रिलीजियस सेक्ट था और इनकी भी कुछ वजहें वैसी ही थी रेबेलियन की जैसी कि बाकी इनसे पहले दो हमने जिक्र किए उनके रेबेलियन की वजह थी एन एक्टिविस्ट फॉरवर्ड टू द सेक्ट वॉज इम्पार्टेड बाई टीपू द सन ऑफ करम शाह करम शाह जो लीडर थे इस पागलपंथी सेक्ट के इनके बेटे टीपू इस रेबेलियन को आगे बढ़ाते हैं मोटिवेटेड बाय बोथ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मोटिव और इन्होंने इनका कॉज क्या बना मतलब इन्होंने वजह क्या मानी कि हम क्यों रिबेलियन कर रहे हैं एग्जैक्टली exactly. तो इसकी वजह इन्होंने मानी कि जो जमींदार है बंगाल के अंदर वहां के किसानों के ऊपर अत्याचार करते हैं अब देखिए परमानेंट सेटलमेंट बनाई कुछ ऐसा था कि उसमें जमींदारों को अगर पैसा कमाना है तो किसानों के ऊपर ज्यादा टैक्स इंपोज करना होगा और इसीलिए ये किसानों का कॉज इन्होंने उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ बेसिकली जमींदारों के खिलाफ रिबेलियन कर दिया और जमींदारों के खिलाफ रेबेलियन करने के साथ ही ये ब्रिटिशर्स के भी सामने आके खड़े हो गए क्योंकि ब्रिटिशर्स इन जमींदारों को प्रोटेक्ट करने के लिए डेफिनेटली आगे आए थे टीपू कैप्चर्ड शेरपुर इन 1825 एंड अज्यूम्ड रॉयल पावर भी कुछ वक्त के लिए इनका वक्त इतना अच्छा था कि अचानक हमला करके इन्होंने नॉर्थ बंगाल में शेरपुर नाम की जगह को कैप्चर कर लिया और वहां पर अपना राज्य भी स्थापित कर दिया कुछ वक्त के लिए और इनकी एक्टिविटीज लड़ते लड़ते पहाड़ों तक पहुंच गए क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इनके ऊपर हावी हुए होंगे तो मैदान छोड़कर इनको पहाड़ों में शरण लेनी पड़ी होगी और 1830s और फोर्टीज के डिकेट तक ये एरियाज डिस्टर्ब रहे इनकी एक्टिविटी जारी रही लेकिन अल्टीमेटली ये रेबेलियन भी क्रश हो गया ऐसा ही एक और रेबेलियन राइज होता है 1786 से 1831 के बीच में जिसको वहाबी मूवमेंट कहा जाता है वहाँ भी एक इस्लामिक रिलीजियस सेक्ट है जिसको भारत में सर भारत में सैयद अहमद ऑफ़ राय बरेली जिसको सैयद अहमद राय बरेली वाले के नाम से जाना जाता है दरअसल अरब वर्ल्ड में अब्दुल वहाब नाम के एक स्कॉलर रहे थे और उन अब्दुल वहाब नाम के स्कॉलर से सैयद अहमद ऑफ राय बरेली और दिल्ली के एक सूफ़ी शाह वली काफ़ी इंस्पायर्ड थे और सैयद अहमद अफ्राइब और अब्दुल वहाब अरब वर्ल्ड के क्या कहते थे वो ये कहते थे कि इस्लाम को फॉलो करने वालों को उसको पूरे आ, पूरे कायदे कानून के साथ फ़ॉलो करना चाहिए ख़ास तौर पे इंडिया में रह रहे मुस्लिम्स को ऐसा कोई भी आ, ट्रेडिशन नहीं अपनाना चाहिए जो कि थोड़ा नॉन मुस्लिम लगता हो या इंडिया के हिंदुओं से इंस्पायर्ड हो या उनके जैसा हो और इसीलिए ये अपने फॉलोअर्स को प्रोवोक ये अपने फॉलोअर्स को प्रीच करते थे कि वो अपने अटायर भी हिंदुओं से अलग रखें अपना खुलिया भी हिंदुओं से अलग रखें अपने तौर तरीके हिंदुओं से अलग रखें और इस तरह से इस्लाम अगर आप मानते हो तो भारत में दिखना चाहिए कि आप इस्लाम मानते आप घुले मिले नहीं दिखना चाहिए हिंदुओं के साथ और इसी आइडिया को भारत में सैयद अहमद ऑफ राय बरेली ने काफी प्रीच किया और इनका ऑब्जेक्टिव था कि भारत जो कि काफिरों की धरती है इट इज़ द लैंड ऑफ काफिर दारुल हर्ब इसको हमें अल्टीमेटली लैंड ऑफ इस्लाम में कन्वर्ट करना है यानी कि दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना ये इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था और इसी ऑब्जेक्टिव में इन्होंने अंग्रेजों को अपना पहला रोड़ा पहली बाधा मान के उनके अगेंस्ट

लेकिन जब खुद सिख अंग्रेजों के हाथों हार गए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब के इलाके को एनेक्स कर लिया तो का मुकाबला फिर शुरू हो गया किससे अंग्रेजों से और उन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट भी जिहाद डिक्लेयर कर दिया और लड़ाई करते रहे कई मिलिट्री ऑपरेशन चलते रहे इनके बीच में लेकिन वहा पंजाब से लगभग पूरी तरह से एलिमिनेट हो गए थे और वहां का रेजिस्टेंस भी वीक हो गया हालांकि एक आइडियोलॉजी की तरह वहाबी आज भी भारत में मौजूद है लेकिन एक मूवमेंट और रेबेलियन के तौर पे ब्रिटिशर्स ने उसको इफ़ेक्टिवली क्रश कर दिया था और फिर अगला मूवमेंट आता है जिसे फ़राइजी मूवमेंट कहा जाता है ये भी एक मुस्लिम सेक्ट था जो हाजी शरीयत उल्ला जो कि ईस्ट बंगाल के फरीदपुर के थे इन्होंने फाउंड किया था इनका और वहाबी आइडियोलॉजी का बिल्कुल मेल मिलाप ये ऑलमोस्ट एक जैसे थे ये और वहां भी ये दोनों ही एक ही जैसी बात को प्रीच किया करते थे दे एडवोकेटेड रेडिकल रिलीजियस सोशल पॉलिटिकल चेंजेस सन दादू पोलिटिकल चेंजेसनाइज फॉलोअर्स विद एन एम टू तो एक्सपेल इंग्लिश इंट्रूडर्स फ्रॉम बंगाल तो भाई इन्होंने तय किया कि बंगाल के अंदर जो अंग्रेज घुसते चले आए हैं इनको ये खदेड़ देंगे बाहर और साथ ही साथ इन्होंने अपने कॉज में ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए गरीब किसानों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के अगेंस्ट जमींदारों के खिलाफ भी एक बगावत कर दी और 1838 से लेकर 1857 के बीच में वहाबियों के साथ मिलकर इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ ख़ास तौर पे लेकिन अगेन जैसे कि वहाी इसका मूवमेंट पूरी तरह से क्रश हो गया था उसी तरह से इनका मूवमेंट भी कंप्लीटली क्रश कर दिया गया था और फिर एक और इम्पोर्टेंट रिलीजियस रेबेलियन होता है जिसे मोपला रेबेलियन कहा जाता है और एक बहुत लंबा सीरीज ऑफ रेबेलियन था जो 1835 से लेके 1921 के बीच में होता है अब मैं आपको बताता हूं मोपला रेबेलियन का बैकग्राउंड क्या है देखो ये जो मोपला रेबेलियन है जिस इलाके में होता है उसको मालाबार रीजन के नाम से जाना जाता है आज का काफी कुछ केरला का इलाका अब इस केरला के इलाके में जिसको मालाबार रीजन के नाम से भी जाना जाता था यहाँ पे ज़्यादातर जो रूलिंग क्लास थी वो नायर्स और नम्बुदिरी ब्राह्मण्स हुआ करते थे जो लैंड ओनिंग कम्युनिटी हुआ करती थी लेकिन यहाँ पे एग्रेरियन कम्युनिटी और लेबर क्लास कम्युनिटी एक हुआ करती थी जिन्हें मोपला कहा जाता था मोपला वो लोग थे केरला में जो कि बहुत पुराने समय में आने वाले अरब ट्रेडर्स के लोकल फिशरमैन कम्युनिटीज की लड़कियों से होने वाली शादी से पैदा होने वाली संतानें होती थी क्योंकि बहुत सारे अरब मर्चेंट्स मेडाइवल टाइम्स में केरला के कोस्ट पर आते थे ट्रेड करने के लिए इंडिया से और लंबे समय तक यहाँ पर रहते थे इस लंबे समय तक रहने के प्रोसेस में यहाँ पर मैट्रीमोनियल रिलेशंस बना लिया करते थे कुछ लोकल ट्राइबल लड़कियों के साथ में और उनसे जो बच्चे पैदा होते थे उन बच्चों को वहाँ पे मोपला कहा जाता था ये जो मोपलाज होते थे ये लोग लैंड ओनिंग कम्युनिटीज नहीं हुआ करती थी या तो ये लेबर क्लास कम्युनिटीज हुआ करती थी जो नायर के खेतों में काम करते थे नायर्स कभी भी अपने खेतों में काम नहीं करते थे या नंबूदिरी ब्राह्मण्स कभी भी अपने खेतों में काम नहीं करते थे नायर्स की जगह या नंबूदिरी ब्राह्मण्स की जगह उनके खेतों में काम करते थे ज्यादातर ये मोपलास जिसके बदले में मोपलास को मिलता था शेयर जो भी प्रोडक्शन होता था उसका एक छोटा सा शेयर उनको मिलता था जिससे वो अपना लाइवलीहुड अर्न करते थे और बचा हुआ शेयर नायर्स के पास में या नंबूदिरी ब्राह्मण्स के पास में रहता था ये सिस्टम लंबे समय से चलता आया था मालाबार रीजन में लेकिन जब टीपू सुल्तान ने 1789 में इस इलाके के अंदर इन्वेजन किया और काफ़ी सारे इलाके मालाबार पोस्ट के आसपास के जीत लिए तो जीतने के बाद टीपू सुल्तान ने जीते हुए इलाके नायर्स से छीन के मोपलास को दे दिए कि अब आपसे ओनर हो इन लैंड्स के लेकिन हम जानते हैं कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में अल्टीमेटली टीपू सुल्तान की डेथ हुई केरला के रीजन में मालाबार के रीजन में नायर्स का रोल दोबारा एस्टैब्लिश हुआ और नायरस बड़े नाराज़ हुए इस बात से कि टीपू सुल्तान की मदद करी मोपलास ने और टीपू सुल्तान ने भी मोपलास को रवॉर्ड की कौन सी ज़मीन वो ज़मीन जो ट्रेडिशनली नायर्स की हुआ करती थी इसलिए नायर्स का रवैया फिर मोपलास के लिए बदल गया और काफ़ी हार्श हो गया नायर्स ने ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी शुरू कर दी जिससे कि मोपलास के लिए सरवाइव करना और ज्यादा मुश्किल हो गया हालांकि इसमें मोपलास का भी अपना रोल है कि जब टीपू सुल्तान का हमला हुआ तब उन्होंने अपने सदियों से चले आ रहे कंपेनियन नायर्स का साथ नहीं दिया और टीपू सुल्तान के पाले में जाके बैठ गए अब नायर्स इससे नाराज तो हो नहीं थे लेकिन इसी टकराव के चलते मोपलास को यह लगने लग गया कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और इसी एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट मोपलास ने एक रिलीजियस कॉज मानते हुए रेबेलियंस करना शुरू किए लेकिन सबसे बड़ा मोपला रेबेलियन जो होता है वो मोपला रेबेलियन होता है सबसे बड़ा नाइनटीन में 1921 में जो मोपला रेबेलियन होता है इट वॉज बैक्ड बाय एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मोपला रेबेलियन में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आके जुड़ जाता है इट वॉज बैक्ड बाय खिलाफत मूवमेंट दरअसल 1920-21 के दौरान नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था खिलाफत मूवमेंट चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में मुस्लिम रिलीजियस हेड खलीफा की पोजीशन को ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया था और भारत के तमाम मुसलमान इससे बहुत नाराज थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खलीफा को री करने के लिए खिलाफत मूवमेंट इशू चालू किया था और इसी खिलाफत मूवमेंट की आड़ में मोपलाज ने एक कम्यूनल राइट्स शुरू कर दिए नायर्स के अगेंस्ट अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करने के लिए और बहुत ब्रूटली मैसेकर किया नायर कम्युनिटी को और दूसरी हिंदू कम्युनिटी को वहां पे बाद में ब्रिटिशर्स की यूनिट्स वहां पे आती है पुलिस फोर्स वहां पे री होता है और फिर मोपलास के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एक्शंस किए जाते हैं और यहां पर क्या होता है एक पॉइंट मोपलास Started killing Hindus, they were ultimately suppressed. By बाय द्रिटिश ultimately in Mopla's का लगभग कुछ महीनों तक जो एक ek brutal होते हैं और उसके बाद जब jab के ke reinforcements आती है तो ये mopla rebellion भी पूरी तरह से crush हो जाता है बहुत से हिस्टोरियंस मोपला रेबेलियन को एक एग्रेरियन मूवमेंट के तौर पे देखते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मूव इस तरह के मूवमेंट के पीछे रिलीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था और इसलिए इसको रिलीजियस कैटेगरी में मैंने डाल के आपको बताया है और उसके बाद हम पॉलिटिकल मूवमेंट्स की बात करेंगे और उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मूवमेंट आता है वेलू वेलूथम्पी रेबेलियन थम्पी रेबेलियन देखिए वेलू थम्पी एक इंडिविजुअल का नाम है जो त्रावण कौर के राज्य यानी कि आज के केरला वाले इलाके में जो राज्य हुआ करता था प्रिंसली स्टेट्स वहां के दीवान यानी कि चीफ मिनिस्टर थे और काफी पर्सन हुआ करते थे रोज़ अप इन अगेंस्ट ब्रिटिश अटेम्प्ट टू रिमूव हिम फ्रॉम दीवानशिप जब ब्रिटिश देखो क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने त्रावण कौर के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए थे जिससे कि वेलूथम्पी नाराज थे वो ब्रिटिशर्स को लगातार अपोज कर रहे थे जिससे कि ब्रिटिशर्स टैक्स कम करें लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि वो टैक्स कम नहीं करना चाहते हैं और थम्पी उसको स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहे तो वेलू थम्पी को दीवानशिप यानी चीफ मिनिस्टरशिप की पोस्ट से हटाने के लिए अटेम्प्ट शुरू कर दिए और साथ ही साथ में और हैवी बर्डन इंपोज कर दिया इस राज्य के ऊपर सब्सिडेरी अलायंस सिस्टम साइन करवा के और इसीलिए थम्पी ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रेबेलियन कर दिया हालांकि रावण कौर के राजा को भी वेलूथम्पी के इस रेबेलियन में उसका साथ देना चाहिए था लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो वेलूथम्पी के साथ नहीं होते हैं और ब्रिटिशर को साइड कर लेते हैं और ये कहते हैं कि मैं आपकी सभी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ लेकिन ये वेलूथम्पी नहीं मान रहा लेकिन तब तक वेलूथम्पी अपने आप को कमिट कर चुके थे अंग्रेजों के साथ लड़ाई में और इसी प्रोसेस में लड़ते हुए वो मारे जाते हैं और फिर उसके बाद उनकी डेड बॉडी को ला के पब्लिकली हैंग किया जाता है सबको ये बताने के लिए कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो रेबेलियन करेगा उसका क्या हश्र होगा उसका क्या नतीजा होगा ऐसा ही एक और रेबेलियन साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है जिसको पोलीगर रेबेलियन के नाम से जाना जाता है 1799 से लेके 1805 के बीच में रेबेलियन होता है पोलीगर कम्युनिटी दक्षिण भारत में वही दर्जा रखती थी जो उत्तर भारत में राजपूत कम्युनिटी रखा करती थी जिस तरह अपनी मिलिट्री सर्विसेज के बदले या तो बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े या फिर टैक्स कलेक्शन के राइट्स उत्तर में राजपूतों को मिले हुए होते थे बिल्कुल उसी तरह दक्षिण के इन क्षत्रिय पुलिगरों को दक्षिण भारत में अपनी मिलिट्री सर्विस के बदले में या तो ज़मीनों के बड़े बड़े टुकड़े या टैक्स कलेक्शन के राइट्स मिला करते थे लेकिन हम जानते हैं कि ये मड्रास प्रोविंस के हिस्से हुआ करते थे जहां पर रैयत वाड़ी सिस्टम लागू हुआ था और उसके चलते रैयत से डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया जाता था और इसीलिए पोलीगर्स जो टीपू सुल्तान की डेथ के बाद मैसूर के किंगडम की हार के बाद में अपने राइट्स खो चुके थे और बहुत सारे पोलीगर्स अब अपने इस राइट के लिए लड़ना चाहते थे जो उनका लैंड लॉर्डशिप का राइट था और टैक्स कलेक्शन का राइट था उसके लिए अब उन्होंने दोबारा लड़ाई शुरू करी और इसी प्रोसेस में हम देखते हैं कि पोलीगर्स के रेबेलियन होते हैं इन द कॉन्फ्लिक्ट इन दिस केस वाज अपॉन द क्वेश्चन ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स जैसे कि मैंने आपको बताया रादर ऑन हु शुड कलेक्टेड द ट्रेडिशनल क्लासेस या कंपनी ऑफिशियल्स अब लड़ाई बड़ी गहरी हुई हालांकि चार-पांच साल ही लड़ाई चली लेकिन लड़ाई भीषण थी क्योंकि पोलीगर्स एक फाइटिंग फोर्स थे लंबे समय से ये लोग दक्षिण भारत के राजाओं के लिए मिलिट्री लीडर्स का काम करते आए थे इन 1799 फर्स्ट पॉलीगर वॉर सबसे पहला पॉलीगर वॉर 1799 में होता है तिरुनल वैली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ओपन रेबेलियन होता है और इनके लीडर होते हैं कट्टा बोमन नायक पंचलम कुरिची के पट्टा बोमन नायक जो इस रेबेलियन के मेन लीडर माने जाते थे अंग्रेजों के साथ मुकाबला तो करते लेकिन पकड़े जाते और बाद में पब्लिकली हैंग कर दिए जाते हैं तो पोलीगर रेबेलियन को एक बड़ा मेजर सेटबैक लगता है यहाँ पे बट सेकेंड पोलीगर वॉर जल्दी ही छिड़ जाता है और इसको इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा था कि इसको साउथ इंडियन रेबेलियन के नाम से भी जाना जाता है द सप्रेशन वॉज फॉलोड बाय साइनिंग ऑफ कार्नेटिक ट्रीटी ऑन थर्टी वन थर्टी फर्स्ट जुलाई वन वेर बाय द ब्रिटिश एज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ तमिलनाडु मतलब मैग्नीट्यूड तो बहुत ज़्यादा था लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स का इतना ज़्यादा मॉडर्न फोर्सेस थी और ब्रिटिशर्स के पास इतने अच्छे वेपन्स हुआ करते थे कि बड़ी से बड़ी फाइटिंग फोर्स भी इंडिया के उनके सामने टिक नहीं पा रही थी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी ऐसा ही होता है इनके कई लीडर्स इस रेबेलियन के दौरान मारे जाते हैं और फिर इन्हें भी ट्रीटी करनी पड़ती है जो कार्नेटिक में होती है whereby the British वेयर बाय द ब्रिटिश अज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर तमिलनाडु द पोलीगर सिस्टम विच हैिश फॉर टू एंड हाफ सेंचुरीगर्स के टैक्स कलेक्शन के राइट्स को पूरी तरह से डिसमिस कर देते हैं और ये रेबेलियन भी क्रश हो जाता है अट्ठारह सो बाईस और अट्ठारह सौ पच्चीस से लेकर 26 के बीच में दो बार रामोसी अपराइजिंग होती है जो कि महाराष्ट्र के वेस्टर्न इलाकों में होती है आखिर ये रामोसी थे कौन रामोसीज हु द लोअर रैंक्स ऑफ द मराठा आर्मी एंड पुलिस मराठा आर्मी और पुलिस के छोटे पदों पर काम करने वाले रामोसी जाति के सैनिक हुआ करते थे लेकिन जब अंग्रेजों ने आ, 1818 में मराठों को हरा दिया पेशवाई खत्म कर दी तो उसके बाद में रामोसीज लॉस्ट देयर जॉब्स और अब रामोसीज क्या करते तो रामोसीज ने ब्रिटिशर्स को इसका दोषी मानते हुए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवेलियन करना शुरू कर दिए आज के महाराष्ट्र के सातारा और आसपास के किलों पे उन्होंने हमले करना शुरू कर दिए इन 1825 ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स दे अगेन अप इन रेबेलियन अंडर द बैनर ऑफ उमाजी ऑन अकाउंट ऑफ एक्यूट फेमाइन एंड सिटी इन पुणे पुना और उसके आसपास के इलाकों में अकाल फैलता है जिससे कि और गरीबी बढ़ती है और इसीलिए रामोसीस फ्रस्ट्रेशन में और ज्यादा हमले करना शुरू करते और थ्री ईयर्स दे रेवेज महाराष्ट्र के वेस्टर्न इलाके में तीन साल तक ये काफी गतिविधियां करते हैं क्योंकि ये हिली एरिया था इस हिली एरिया में ब्रिटिशर्स रामोसीज को उस तरह से सप्रेस नहीं कर सकते थे जैसा कि उन्होंने दूसरे इलाकों में दूसरी पावर्स को किया था और रामोसीज इन पहाड़ी इलाकों में लड़ने के माहिर थे बहुत अनुभव था उनको और फर्स्ट हैंड नॉलेज भी था इसीलिए ब्रिटिशर्स इनके सामने नहीं जीत पाए अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को क्या करना पड़ा फाइनली द ब्रिटिशर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट पैसिफाइड देम नॉट ओनली बाय ऑनडूरिंग देयर क्राइम्स बट ऑल्सो बाय ऑफरिंग देम लैंड ग्रांट्स एंड रिक्रूटिंग देम इन द हिल पुलिस जब ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि पहाड़ी इलाकों में लड़ने में बहुत माहिर है और लड़ क्यों रहे इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जॉब्स लूज कर दिए वो वो भी लोअर पोजीशंस पे तो ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है हमको तो लोअर पोजीशंस पे चाहिए इंडियंस काम करने के लिए और इसीलिए इनको रिज्यूम कर लिया ऑफिस में हिल पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर और ये एक बार फिर नौकरी पा गए और जैसे ही नौकरी पा गए तो फिर इनका लड़ाई झगड़े की वजह ही खत्म कर दी ब्रिटिशर्स ने और इस तरह से ये रामोसी रेबेलियन भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है एक ऐसा रेबेलियन था जो सक्सेसफुल हो गया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्योंकि वेस्टर्न महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों में अंग्रेजों के लिए बड़ी परेशानी थी कि कहा जंगल और पहाड़ी दर्रों के अंदर से मुकाबला करे ऐसा ही एक रेबेलियन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अराउंड हुआ था जिसको सावंतवाड़ी रेबेलियन बोलते अठारह में द रिवोल्ट इन सावंतवाड़ी रीजन इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट वॉज लेड बाय फोंड सावंत मराठा सरदार हु विद द हेल्प ऑफ अदर सरदार When the British troops drove out the rebels from the fort, they escaped to Goa, leading to great turmoil in the region. Ultimately, after the imposition of martial law and meting out brutal punishments to the rebel, order could be restored in the Sabhavati region. ज़ाहिर सी बात है कि जैसे ही अंग्रेजों ने मराठों को हराया, महाराष्ट्र के इलाकों में वह आगे बढ़े और जैसे-जैसे उनका फैलाव होता गया, उनकी पॉलिसीज़ लागू होती गई अलग-अलग इलाकों में। तो उसका रिजल्ट देखने को मिला और उसी में से एक ये रिजल्ट था कि सावंतवाड़ी रेबेलियन यहाँ पे होता है और इस सावंतवाड़ी रेबेलियन में ब्रिटिशर्स इस रेबेलियन को इसके लीडर्स को गिरफ्तार करके ब्रूटल पनिशमेंट दे के बुरी तरह से क्रश कर देते हैं और फिर अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल रेबेलियंस के बाद पॉलिटिकल मूवमेंट्स के बाद में ट्राइबल मूवमेंट्स की ट्राइबल मूवमेंट्स को भी हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करके बात कर सकते हैं एक कैटेगरी ट्राइबल मूवमेंट की वो है जो मेन लैंड इंडिया में हुए जैसे संथाल मूवमेंट हुआ जैसे मुंड अपराइजिंग हुई और एक कैटेगरी ट्राइबल मूवमेंट की वो है जो कि नॉर्थ ईस्ट की टेरिटरीज में होती है जिसको फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट्स भी कहा जाता है तो अभी हमारे सामने संथाल मूवमेंट है या संथाल रेबेलियन है जो कि एक ऐसा मूवमेंट है जो मेन लैंड इंडिया के अंदर हुआ था और सारे ट्राइबल मूवमेंट में सबसे बड़े स्केल पर जो मूवमेंट हुआ था वो संथाल मूवमेंट या संथाल रेबेलियन हुआ था जिसको संथाल हुल भी कहा जाता है जो कि उनकी लैंग्वेज में रेबेलियन को कहा जाता था सिद्धू और कानू नाम के दो लीडर्स की लीडरशिप में जो कि दोनों भाई थे उनकी लीडरशिप में बहुत सारे संथाल इकट्ठे हो गए और बहुत सारे संथालों ने इकट्ठे होकर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ और अंग्रेजी इंडियन एजेंट्स जो उनके इलाके में आके उन लोगों का एक्सप्लोइटेशन किया करते थे बिगुल बजा दिया बगावत का और एक बड़ी जबरदस्त बगावत होती है अमॉन्ग द न्यूमरस ट्राइबल रिवोल्ट संथाल हु और अपराइजिंग ऑफ द मोस्ट वन जैसे कि मैंने आपको बताया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन बेंगाल इन 1793 अब इसकी जो मेजर वजह है कि भाई क्यों हुआ ये ये इसकी हुआ क्यों ये मूवमेंट ये है परमानेंट सेटलमेंट पर्मानेंट सेटलमेंट की वजह से क्या होता है द संथाल्स वेयर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स विथ प्रॉमिस ऑफ वेजेस और रेंट फ्री लैंड्स यानी कि ये लोग संथाल जो होते थे इनको एम्प्लॉय की तरह यूज किया जाता था मजदूरों की तरह यूज़ किया जाता था या तो इनको वेजेस दी जाती थी या फिर इनको ऐसी ज़मीनें दे दी जाती थी जिससे जिस पे से इनको रेंट नहीं लिया जाता था ये रेंट नहीं देते थे उसके बदले में अपनी सर्विसेज़ दे देते थे दे देवर फोर्स टू बिकम एग्रीकल्चरल सर्व एक्सप्लॉयटेड एट वेल लेकिन परमानेंट सेटलमेंट के चलते सारी ज़मीनों का मालिक तो फिर जमींदार हो गया तो इनके पास में अपनी ज़मीनों के कोई राइट्स नहीं रह गए और ये जमीनों के ऊपर बंधुआ मजदूर जैसे बन गए द फर्स्ट रेप और इसी वजह से इन्होंने रेबेलियन किया था और एक और इंपॉर्टेंट वजह जो मैंने पहले भी आपको बताई थी वापस बताता हूं कि जो अंग्रेज होते थे ना अंग्रेज किसी भी भारतीय इलाके में जब अपनी मौजूदगी करते थे तो उससे पहले उन अंग्रेजों के साथ में उनके कुछ लॉयल इंडियंस होते थे जिनको हम कह सकते हैं ब्रिटिश एजेंट्स या जिनको मिडिल भी कहा जाता है ये मिडिल अंग्रेज़ों के बिहाफ पे किसी इलाके के अंदर इंटरवीन करके वहाँ के लोकल लोगों के साथ में अंग्रेज़ों के बिहाफ पे डील्स किया करते थे लेकिन ये ही मिडिल मैन ट्राइबल इलाकों में जाके उन भोले भाले ट्राइबल्स के भोलेपन का फ़ायदा उठा के उनको एक्सप्लॉयट भी किया करते थे तो एक तरफ इन मिडिल मैन के का फेस कर इन मिडल मैन की वजह से फेस होने वाला एक्सप्लॉयटेशन और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स के लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स जिसकी वजह से बढ़ती हुई इनकी गरीबी इन दोनों चीज़ों ने इन ट्राइबल्स को बुरी तरह से परेशान करके रखा हुआ था और इसीलिए पहली बार अट्ठारह में बीर सिंह ऑफ शासन के लीडरशिप में पहली बार ये संथाल रेबेलियन होता है लेकिन सही मायनों में संथाल रेबेलियन जो होता है वो सिद्धू और कानू की लीडरशिप में 1855 में होता है वैसे संथालों की अगर बात की जाए तो ये कहाँ रहते थे तो आज के अगर आप नक्शों में देखोगे तो बिहार के ईस्ट में भागलपुर और उससे लगते हुए झारखंड के इलाके में जो बीच में पड़ने वाली राजमहल की पहाड़ियाँ हैं जिसको कि मुगल दौर में या बंगाल के नवाबों के दौर में दामन ए कोह भी कहा जाता था दामन ए कोह का मतलब होता है कि ऐसी जगह जो पहाड़ों के बीच में बसी हुई है तो ये दामन ए कोह ही वो इलाका था जहाँ पे संथाल बहुत बड़े नंबर्स में रहा करते थे यही संथालों का लैंड हुआ करता था और यहीं पर ये सारे संथाल रेबेलियन कर बैठते हैं मेड अ डिटरमिन अटेम्प्ट टू एक्सपेल द आउटसाइडर्स जिनको ये संथाल डिकू कहा करते थे इन आउटसाइडर्स को संथाल क्या कहते थे डिकू कहते थे और इन्होंने ये तय किया कि अब से हम डिकुओं की हुकूमत को नहीं मानेंगे ब्रिटिशर्स को नहीं मानेंगे उनकी ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे उनके लॉ को नहीं मानेंगे और उनको हम फॉरेन करार देते अपने लैंड के ऊपर और उनको कंप्लीटली एनाइलेट कर देंगे और फिर वो दोनों लीडर्स आते हैं सिद्धू और कानू। मोर देन टेन थाउजेंड संथाल असेंबल्ड इन जून 1855। 1855 के जून में लगभग दस हजार से ज्यादा संथाल ये दोनों लीडर्स मिलकर एकजुट कर लेते हैं जो कि एक बहुत मैसिव फोर्स बना लेते हैं और उसी के साथ में ये अपने सारे साथियों को ये आदेश देते हैं कि बस अब टूट पड़ो अंग्रेजों के ऊपर और डिकुओं के ऊपर टेक द पोजिशन ऑफ द कंट्री एंड सेट अप द गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन विद इन अ मंथ अ रेबेलियन हैड अ फॉर्मिडेबल शेप जैसे कि मैंने बोला कि सारे ट्राइबल रेबेलियन में सबसे मैसिव रेबेलियन थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और एक महीने के अंदर अंदर एक आंधी सी आती है इस इलाके के अंदर जिसमें शुरुआती तौर में तो ब्रिटिशर्स को बहुत नुकसान होता है द ओपन वॉर विद द ब्रिटिशर्स कंटिन्यू टिल्स लगभग एक साल तक ये रेबल्स तीर कमान भाले और कुल्हाड़ी से अंग्रेजी मॉडर्न वेपन्स का मॉडर्न ट्रेन ट्रूप्स का मुकाबला करते हैं जो कि बहुत बड़ी बात थी वेन द रेबेल लीडर्स वेयर फाइनली कैप्चर्ड देयर मूवमेंट वॉज ब्रूटली सप्रेस्ड लेकिन जैसे ही इनके लीडर्स कैप्चर कर दिए जाते हैं ये मूवमेंट बहुत ही ब्रूटली सप्रेस कर दिया जाता है बहुत सारे संथाल्स मौत के घाट उतार दिए जाते हैं लेकिन अंग्रेज़ों को कुछ बात तो समझ में आती है यहाँ पे अंग्रेजों को ये बात समझ में आती है कि अगर इसी तरह से ट्राइबल्स का एक्सप्लोइटेशन चलता रहा तो इस तरह के रेबेलियंस होते रहेंगे हर किसी को नहीं मार सकते वो एक, -एक इंसान को पकड़ के ख़त्म नहीं कर सकते और इसीलिए अंग्रेज़ों ने कुछ रिलैक्सेशन uh, दिए संथाल्स को जैसे ये जो दामन कोह वाला इलाका था इस इलाके को संथालों के लिए रिजर्व कर दिया इस इलाकों में संथालों के डोमिनेंस को एक्सेप्ट किया और संथालों के ऊपर उस तरह के ऑब्लिगेशन नहीं लगाए जैसे कि बाकी के बंगाल के किसानों के ऊपर लगाए गए थे जिससे संथाल्स को भी थोड़ा बहुत अपीजमेंट हुआ तो संथाल्स ने जो ये मैसिव रिबेलियन किया था ये पूरी तरह से बेकार नहीं जाता है इसका कुछ असर होता है और ऐसी ही एक अपराइजिंग होती है तमिलनाडु से बंगाल के बीच में कोस्टल इलाकों में रहने वाली एक ट्राइब जिसको खोंड कहा जाता था अभी खोंड जो होते थे इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम थी इन खोंडों का एक बहुत ही इनह्यूमन सेक्रीफाइस होता था रिचुअल होता था जिसको ये मरिया बोलते थे ये जो मरिया होता था इसमें ये लोग नर बलि देते थे आज कल तो भारत में मुर्गे बकरों की बलि हम देखते हैं लेकिन उस समय के भारत में इन मुर्गे बकरों के साथ साथ में इंसानों की बलि भी दी जाती थी और ऐसी एक प्रैक्टिस मरिया फॉलो करते थे ब्रिटिशर्स इस तरह की प्रैक्टिसेस को ऑब्वियसली बैकवर्ड मानते थे इन मानते थे क्राइम मानते थे इसलिए पहले तो ब्रिटिशर्स ने ये मरिया को रोकने की कोशिश करी और ये एक इम्पॉर्टेंट वजह बना कि खोन ट्राइब को लगा कि हमारे रिचुअल्स के अंदर हमारे ट्रेडिशन के अंदर ब्रिटिशर्स क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं और इसीलिए चक्र विसोई नाम के एक लीडर ने लीडरशिप एज्यूम करके अपने आप को एक राजा डिक्लेयर किया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी ज़्यादातर उड़ीसा के कोस्टल और पहाड़ी इलाकों के बीच में ये ट्राइब्स लड़ाइयाँ करती है और लड़ाइयाँ इनकी जारी रहती है से लेकर 1856 तक लेकिन 1855 और 56 के बीच में इनके लीडर चक्र बिसोई मिस्टीरियसली uh, गायब हो जाते हैं कहीं उनका पता नहीं चलता उनके वेयर अबाउट्स नहीं मिलते कहीं पर भी जिसकी वजह से ये रेबेलियन अपने आप ही ख़त्म हो जाता है इस रेबेलियन के फायर में जो फ्यूल था जो इसका लीडर था चक्र बिसोई वो खुद ही गायब हो जाता है तो फ्यूल ख़त्म हो गया तो फायर भी ख़त्म होना ही है लेकिन एक और बड़ी ज़बरदस्त रेबेलियन जो अंग्रेज़ों के खिलाफ होता है भले कम वक्त तक वो चलता है लेकिन एक बार फिर वो संथालो जैसा माहौल क्रिएट हो जाता है एक मैसिव रेबेलियन का और ये रेबेलियन होता है मुंड अपराइजिंग जिसको मुंडा अपराइजिंग या मुंड अपराइजिंग के नाम से भी जाना जाता था मुंड रोज रोजअप इन रेबेलियन सेवन टाइम्स अगेंस्ट द लैंड लॉर्ड डिकूज मनी लैंडर्स एंड द ब्रिटिश ये कई बार जमींदारों साहूकारों और अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए वाइल इट फील्ड इट डिड नॉट मैटर आउट रिमेन गीड ऑफ कैरिज्मिक लीडर इट वॉज गिवन अ न्यू लाइफ बाई ब पहले भी कई मुंड पहले भी कई बार मुंड रेबेलियन कर चुके थे लेकिन अब तक वैसी सफलता उनको नहीं मिली थी वैसा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए थे क्योंकि शायद एक नेतृत्व करने वाले की बड़ी कमी थी और वो नेतृत्व करने वाला इन मुंड समुदाय को मिलता है बिरसा मुंडा के नाम से जो कि आज भारत के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जाने जाते हैं और जिन्हें झारखंड में धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है ही ऑर्गेनाइज दिस पीपल टू रिवोल्ट ओपनली अगेंस्ट द गवर्नमेंट वैसे तो खुद बिरसा मुंडा काफी मॉडर्न एजुकेशन लिए हुए थे कुछ समय के लिए उन्होंने क्रिश्चानिटी को भी एम्ब्रेस कर लिया था लेकिन बाद में वापस छोड़ के आ गए थे एक बार रेबेलियन किया भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जेल भी गए थे फिर छूट के भी आए और छूट के आने के बाद इन्होंने फिर ओपनली रेबेलियन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हाइड आउट में चले गए जंगलों में छुप गए अपने लोगों को कहा कि कोई भी अंग्रेजों को टैक्सेस नहीं देगा जिस भी जिसने भी किसी साहूकार या जमींदार से उधार लिए हैं पैसे वो उधार चुकाने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह ओपनली सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने क्रांति कर दी रेबेलियन कर दिया जैसे कि मैंने आपको बताया ये पहले भी अरेस्ट हो चुके थे 1897 में दो साल जेल में रहे थे फिर छूटे थे और 1899 में छूट के इन्होंने फिर आर्म स्ट्रगल ही कर दिया खुद छुप गए जाके ऐसा नहीं था कि लड़ नहीं रहे थे लेकिन ये अब छुप के लड़ रहे थे वो छापा मार तरीके से इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी थी इन्होंने भी पुलिस स्टेशन के ऊपर हमले किए लैंड के घरों पर हमले किए और ब्रिटिश प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया वो छापा मार तरीके से लड़ाई करते करते इन्होंने ब्रिटिशर्स को लगभग एक साल तक नुकसान पहुंचाता जारी रखा लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम उन्नीस सौ उन्नीस सौ में ही इनकी मौत हो गई जब ये मात्र पच्चीस साल की उम्र के थे इनके लोग इनको मानते थे डिवाइन इनके लोग इनको मानते थे जादुई इनके लोग मानते थे कि ये ऐसा जादू रखते हैं अपने पास जिससे कि बंदूक की, की गोली का भी इनके ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं होने वाला और इसी कॉन्फिडेंस में भोले भाले आदिवासी लड़ पड़े लड़े बहुत बहादुरी से लेकिन मैंने बताया कि मॉडर्न वेपन्स मॉडर्न ट्रेनिंग के सामने ये तीर भाले तलवार और गोफन कब तक चल पाते अल्टीमेटली एक एक साल तक ये लड़ लिए वो भी बहुत बड़ी बात होती थी और एक साल बाद फाइनली बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के साथ ही मुंडा अपराइजिंग भी एंड होती है मेन लैंड इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल रेबेलियन खत्म होता है और बिल्कुल ऑन द द ईव ईव ऑफ ऑफ ऑन फर्स्ट सेंचुरी सॉरी ट्वेंटी सेंचुरी बीसवीं सदी की बिल्कुल शुरुआत में ये रेबेलियन होता है और इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ हुए तमाम बड़े रेबेलियंस में से ये एक आखिरी रेबेलियन है इनफैक्ट अगर आप इसके साल को देखोगे तो ये 1857 के भी लगभग 40 साल बाद होता है तो ये बहुत बाद में हुआ रेबेलियन था और इसीलिए ये बात इसको बड़ा ख़ास बनाती है इस रेबेलियन को और उसके बाद हम देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के फ्रंटियर्स के इलाके थे और तो नॉर्थ ईस्ट के फ्रंटियर्स के इलाकों में किस तरह के मूवमेंट सरप्राइज हो रहे थे तो एक मूवमेंट हमको दिखाई देता है खासी मूवमेंट अब इस मूवमेंट की वजह क्या थी देखो वजह इस मूवमेंट की ये थी कि ब्रिटिशर्स अब भारत को तो जीत ही चुके थे बाय दिस टाइम लेकिन अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो भारत से ईस्टवर्ड्स आगे बढ़े और ईस्टवर्ड्स आगे बढ़ के वो बर्मा के इलाके को भी जीते और बर्मा के इलाके को जीतने के लिए जो रास्ते होते थे जो ज़मीनी रास्ते होते थे वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की टेरिटरीज से होकर जाते थे और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इन नॉर्थ ईस्ट की टेरिटरीज़ में सड़कें बनानी शुरू करी पहाड़ों को जंगलों को काटना शुरू किया अपना इंटरवेंशन उन इलाकों के अंदर शुरू किया जो वैसे भी डिसलाइक्ड था वहाँ के लोगों के द्वारा लेकिन साथ ही साथ इन्होंने सड़क बनाने के लिए जोर ज़बरदस्ती से वहाँ के ट्राइबल लड़कों को मजदूरी में लगाना शुरू कर दिया और इसी से नाराज़ होकर असी ट्राइब के लीडर तीर्थ सिंह ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोरचा खोल दिया बगावत कर दी गारो ट्राइब भी उनके साथ ज्वाइन हो गई और इसी के साथ में फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट की शुरुआत होती है खासी अपराइजिंग से या खासी रेबेलियन से हालांकि चार साल तक ये रेबेलियन चलता है बट फाइनली ब्रिटिश वेपन ट्रेनिंग मॉडर्न ट्रूप्स के सामने ये ट्राइब्स भी कब तक टिक पाती इनके पास में भी कोई अनोखा हथियार नहीं था और इसीलिए इनका रेबेलियन भी सप्रेस कर दिया गया ऐसा ही एक और रेबेलियन उस इलाके में होता है जिसको रेबेलियन के नाम से जाना जाता है। khasies, एक तरफ ब्रिटिशर्स खासी के साथ में एक लड़ाई लड़ी रहे थे पहाड़ों में उसी के, के उनके साथ ग्यारूस भी जुड़ गए थे लेकिन पैरेलली सिंगफोस भी एक ओपन रेबेलियन कर देते हैं 1830 में उसी इलाके के अंदर विच वॉज सप्रेसर थ्री मंथस बट दिंगफोज रिमेंड इन द मूड ऑफ साइलेंट डिसकंटेंट एंड अगेन रोज इन रेबेलियन इन एटीन थर्टी नाइन हालांकि तीन महीने बाद उनके रेबेलियन को खत्म तो कर दिया जाता अट्ठारह सो तीस में लेकिन सिंगफोज फिर राइज होते एक रेबेलियन में एट्टीन हंड्रेड थर्टी नाइन में जब वो एक ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट की हत्या कर देते अट्ठारह सौ तिरयालीस में एटीन फोर्टी थ्री में सिंगफोज चीफ निरंग फिदू ब्रिटिश गैरिसन को अटैक करके उनके कई सैनिकों को मार डालने में कामयाब होते और साथ ही साथ में ब्रिटिश विलेज आसाम के अंदर जो एक सेटलमेंट था उसके ऊपर हमला करके वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं और इस तरह सिंगफोज अपने प्रेजेंस को फील करवाते 1830 से लेकर 181849 के बीच में लेकिन अल्टीमेटली जब इनके लीडर पकड़े जाते हैं और ब्रिटिशर्स के द्वारा मार दिए जाते हैं तो अक्सर लीडरलेस हो जाने की वजह से रेबेलियंस क्रश हो चुके होते थे क्रश हो जाया करते थे ये रेबेलियन भी इसी तरह से क्रश हो जाता है और फिर एक इंपॉर्टेंट रेबेलियन आता है जो कि रानी गैदी निलियू का रेबेलियन कहलाता है रानी गैदी निलियू का रेबेलियन बहुत ही लेटर स्टेज में हुआ था यानी कि ट्वेंटी सेंचुरी के सेकेंड डिकेड में ये रेबेलियन हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरीज के अंदर वजह क्या थी रानी गैदी निलियो के रेबेलियन की एट द टेंडर एज ऑफ थर्टीन ईयर्स हर कजिन जेडोनाग हराका मूवमेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट यह आप याद रखना ये हराका मूवमेंट चल रहा था कहाँ पे आज के नागालैंड वाले रीजन में और ये एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था एक आध्यात्मिक मूवमेंट था डेडिकेटेड टू द रिवाइविंग ऑफ द एंशंट नागा ट्राइबल रिलीजन देखिए नागाज का अपना एक ट्राइबल रिलीजन ट्राइबल कल्चर हुआ करता था लेकिन जब से ब्रिटिश मिशनरी एक्टिविटीज उन इलाकों में शुरू हुई थी क्रिश्चानिटी को बहुत ज्यादा स्प्रेड किया गया था कुछ नागाज क्रिस्चानिटी को एक्सेप्ट करते कुछ अपने एंशियंट ट्राइबल सिस्टम्स के साथ जुड़ के रहना पसंद करते और उनकी मुहिम चलती है कि एंशियंट नागा ट्राइबल सिस्टम रिचुअल रिलीजन खत्म नहीं होना चाहिए चलते रहना चाहिए और जल्दी ही ये स्पिरिचुअल मूवमेंट एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन जाता है सून इट एवॉल्व इन टू अ पॉलिटिकल मूवमेंट फाइटिंग द ब्रिटिश टू इस्टैब्लिश नागा राज इन द एरिया लेकिन जब वो देखते हैं कि ब्रिटिशर्स तो रुकने नहीं वाले वो तो अपना काम करते ही जा रहे थे तो वो अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई छिड़ देते और अब ऑब्जेक्टिव बनाते कि अपने इलाके में नागाओं के राज को इस्टेब्लिश करेंगे अंग्रेजी हुकूमत के साथ में मुकाबला करके गईदी नीलियू जो कि एक छोटी उम्र की लड़की थी बट ही बट शी इमर्ज एज अ लीडर ऑफ द गुरिल्ला फोर्सेस फाइटिंग द ब्रिटिश एट द यंग एज ऑफ सिक्सटीन वैसे भी नॉर्थ ईस्ट की टेरिटरीज ऐसी टेरिटरीज है जो काफ़ी मेट्रियारकल होती है अपने नेचर में और वहाँ पे लड़कियाँ हर तरह के सोशल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती और इसीलिए रानी गैदी नीलियू जो थी जिनको रानी का टाइटल बाद में मिला था गईदी निल्यू एक लीडर के तौर पे इमर्ज होती है और एक्टिवली कॉम्बैट करती अपने भाई के साथ में मिलके और अपने दूसरे नागा भाइयों के साथ में और लोगों के साथ में मिलके शी प्रोक्लेम्ड वी आर फ्री पीपल द वाइट मैन शुड नॉट रूल ओवर अस हम आज़ाद हैं और हमारे ऊपर ये विदेशी गोरे लोग हुक्मरानी नहीं करने चाहिए इन 1931, द ब्रिटिश अरेस्टेड एंड हैंग्ड जेडोनैंग अनफॉर्चुनेटली उन्नीस में इनके भाई जो इस हराका मूवमेंट को लीड कर रहे थे पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद उनको सजाए मौत दी जाती है फांसी की सजा दी जाती है आफ्टर दिस लेकिन उसके बाद ये गैदी निल्यू हार नहीं मानती और इस हराका मूवमेंट को ये आगे बढ़ाती है द मूवमेंट एग्जॉटेड द पीपल नॉट ओनली टू पे टैक्सेस एंड सबमिट टू द फॉरनर्स शी वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द क्रिश्चियन मिशनरीज एंड वॉन्टेड रिवाइवल ऑफ ट्राइबल रिलीजन ये अब क्या ये मूवमेंट दो तरफा हो गया इसने एक रिलीजियस रंग भी ले लिया और एक पॉलिटिकल रंग तो इसने लेके रखा ही था जब इन्होंने कहा था कि सिर्फ नागाज का ही रूल होगा नागालैंड के इलाके में और साथ ही साथ रिलीजन और कल्चर भी नागाज का होगा ना कि मिशनरी एक्टिविटीज के थ्रू क्रिश्चानिटी का स्प्रेड यहाँ होने दिया जाएगा लेकिन उन्नीस सौ बत्तीस में शी वॉज अरेस्टेड बाई द ब्रिटिश एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ एम्प्रिजनमेंट इन 1937 कई साल उनके ऊपर मुकदमा चलता रहा तब भी वो कस्टडी में ही थी उन्नीस में वो कन्विक्ट होती है और कन्विक्शन के बाद उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है अगर ये लड़का होती तो डेफिनेटली इनको एग्जीक्यूट कर देते ब्रिटिशर्स बट इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया 1937 में शी वॉज मेट बाय जवाहरलाल नेहरू हु प्रॉमिस्ड टू हेल्प हर गेट फ्रीडम पंडित जवाहरलाल देखिए ये दौर तो वही है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्टिव थे तो इनकी मुलाकात पंडित जी से होती है और पंडित जी इनको एक गुडविल जेस्टर शो करते हुए ये कहते हैं कि भाई इनको हम मदद करेंगे और वो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेटर लिखते और उनको कहते कि इनको छोड़ो इनको रिलीज करो और यही पंडित जी थे जिन्होंने की गई नीलियो को रानी का टाइटल दिया था और ये रानी निल्यू के नाम से जानी गई थी और ये जेल में ही रही इनको छोड़ा नहीं गया था इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस और तब रानी गैदी नीलियू को रिलीज किया गया था शी वॉज रिजॉल्व टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नागा पीपल वो नागा लोगों के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए लाइफ लॉन्ग डेडिकेटेड रही डिवोटेड रही बहुत लंबी जिंदगी जीने के बाद में उनकी डेथ होती है और इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर पूरा होता है जय हिंद